ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ व्रत त्यौहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ संतान सप्तमी व्रत के बारे में। मैंने संतान सप्तमी में बहुत सारे वीडियो जो हैं वो डाल रखे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बता रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं कि संतान सप्तमी व्रत कब है, जो सवाल हैं आपके वो भी मैंने कई वीडियो में लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में भी मैं बहुत सारे सवाल जो है वो ले रही हूँ। कौन सा सवाल जो है वो आज के वीडियो में लेने वाली हूँ, चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी, अगर पति नहीं है तो इस व्रत को करें या ना करें, संतान सप्तमी, अपराजिता सप्तमी या ललिता सप्तमी का जो व्रत है हम, मैं उसकी बात कर रही हूँ। साथ ही साथ किसकी पूजा की जाती है इस व्रत में, कौन से देव कौन से देवी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ जो पूजा का समय है, कितने टाइम पूजा जो है वो की जाती है, और आखिरी जो सवाल है वो ये है कि निर्जला व्रत करें या कुछ खाकर करें, किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। तो इन प्रश्नों के जवाब जो है वो मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए एक एक प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि पति नहीं है तो व्रत करें या ना करें। तो देखिए, ये जो व्रत है वो संतान की रक्षा के लिए है। संतान सप्तमी व्रत केवल संतान के लिए किया जाता है। अगर आपके पास पति नहीं है तब भी आप इस व्रत को कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं। आप अपने संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को कर रही हैं तो पूरी विधिवत तरीके से आप इस व्रत को कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो पूजा है वो किसकी की जाती है। तो देखिए, शिव परिवार की पूजा होती है। पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं आप, या आप चाहें तो आपके घर में माता पार्वती, भगवान गणेश और महादेव की अगर कोई तस्वीर है, साथ में कार्तिकेय है तब भी चल जाएगा। अगर नहीं है, केवल मान लीजिए पार्वती माता और भोलेनाथ के बीच में गणपति बैठे हैं, कई बार आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, अगर आपके घर में ये तस्वीर है तो आप पूरी विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं। अगर नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बना के भी आप पूरी विधिवत तरीके से पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। कितने टाइम पूजा करनी चाहिए, एक बहन का प्रश्न आया कि कितने टाइम पूजा करनी चाहिए। तो संतान सप्तमी की जो पूजा है वो 12 बजे के बाद की जाती है, ऐसा विधान है। आधे दिन के बाद पूजा जो है वो संतान सप्तमी की जाती है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जॉब करती हैं, कोई नौकरी करती हैं, या कहीं बाहर आप किसी काम से जा रही हैं, तो ऐसे में आप सुबह जल्दी भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। लास्ट जो और आखिरी जो प्रश्न है वो ये है कि इस व्रत में क्या खाया जाता है, निर्जला व्रत करनी चाहिए या कुछ खाकर व्रत करनी चाहिए। तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो हम सात पुए, मतलब मीठी पूड़ी जो होती हैं वो माता पार्वती के लिए सात चढ़ाते हैं, उनके पुत्र के लिए, और सात जो है वो हम अपने पुत्र के लिए चढ़ाते हैं। ये जो पूड़ियाँ होती हैं ये हमें एक बार में ही खानी होती हैं, सूर्यास्त से पहले ही खानी होती हैं। साथ ही साथ इन पूड़ियों के साथ हमें दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूध है और पूत है, हमारे यहाँ बच्चे को दूध से जो है वो जोड़ा गया है, तो दूध और पूत समान माने गए हैं। इसलिए पुत्र के लिए, अगर मतलब संतान के लिए अगर इस व्रत को कर रही हैं, तो इस दिन आप दूध जो है वो बिल्कुल भी ना पिए, ऐसी मान्यता है। तो आप इस दिन जो है वो पुए खाकर व्रत करेंगी। साथ ही साथ फल में केले जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं, या आप मौसमी फल कोई भी चढ़ा सकते हैं। केला और जो पुए हैं वो इस दिन खाए जाते हैं, और इस प्रकार से ये जो व्रत है वो किया जाता है। आगे आने वाली वीडियो में आपको पूजा विधि भी बताऊंगी, पूजा की सामग्री सारी कुछ जो है वो आगे आने वाले वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इन प्रश्नों का जवाब जो है वो मैंने दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आने वाली संतान सप्तमी व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके पुत्र की आयु लंबी करें, आपके संतान की आयु लंबी करें, उनको जीवन में खूब सारी तरक्की दें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त करती हूँ। जय माता दी दोस्तों।